आज हम रिएक्शन देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोआयोडिक एसिड की पोटेशियम के साथ। आपको पता है कि जो पोटेशियम होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो इसकी रिएक्शन किस तरह से होती है हम उसको देखते हैं आज। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोआयोडिक एसिड है जो एक सॉल्वेंट के फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है, जिसकी क्वांटिटी को हम कम या ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, हम रखते हैं यहाँ पर 250 ml। इसके बाद इसी के अंदर हम पोटेशियम को ऐड करते हैं। जैसे हम पोटेशियम को ऐड करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम पोटेशियम को यहाँ पर 2.7 ग्राम को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 2.7 ग्राम पोटेशियम जो हाईली रिएक्टिव होता है, तो इस बीकर में जैसे जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करता है। देखते हैं हम। ओह नो, प्लीज ड्रॉप हाईली रिएक्टिव मेटल ओनली इन द स्मॉल क्वान्टिटी फॉर द बीकर टू सर्वाइव। तो फ्रेंड्स, हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने एसिड लिया, एसिड लेने के बाद हमने हाइड्रोआयोडिक एसिड लिया। हाइड्रोआयोडिक एसिड को हम रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम के साथ। अब जैसे हम पोटेशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी को बहुत लेस कर देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 0.3 ग्राम हम पोटेशियम को लेते हैं और इसी को यहीं से हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो ड्रॉप करने के बाद हमारे पास ये रिएक्शन कम्प्लीट हुआ। रिएक्शन कम्प्लीटेड, दिस इज वॉट हैपन When potassium reacted with H2O, it formed potassium hydroxide. When potassium reacted with H2O, it formed potassium hydroxide. Similarly, when potassium reacted with hydroiodic acid, it formed potassium iodide and H2O. Means hydrogen gas is released. After that, when potassium hydroxide reacted with hydroiodic acid, it formed potassium iodide and H2O. Okay, thanks friend.